जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे भारत में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे में कुछ राज्यों ने ये कंप्लेन जरूर की है कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है अपने लोगों को देने के लिए। ऐसे समय पर जब वैक्सीन का प्रॉब्लम चल रहा हो, डिमांड पूरी कर नहीं पा रही है कंपनियाँ, ऐसे टाइम पर अगर एक गुड न्यूज़ आए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है स्पुतनिक जो वी थी उसको भारत सरकार ने एमरजेंसी अप्रूवल दिया, काफ़ी देरी से दिया, और अब जो स्पुतनिक वी ने एक अपना जो रिसर्च है उनको आगे बढ़ाते हुए एक नया वैक्सीन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि हमें, जैसे कि जब भी हम कोई ऐप के बारे में बात करते हैं कि उसमें लाइट के बारे में बात करते हैं या फिर वीटा के बारे में, तो हम सोचते हैं कि इसमें कुछ अपडेट है या फिर उसको कम साइज में ज़्यादा फीचर्स देने की बात की जाती है। ठीक उसी तरह से जो आपकी स्पुतनिक वी की जो वैक्सीन है लाइट, उसमें भी कुछ इसी तरह का है। जैसे बाकी सारे वैक्सीन में दो शॉट दिए जाते हैं और जिसमें एक तय सीमा होती है कि इतने समय के बीच में दोनों जो डोजेस है उसको लेना जरूरी होता है, लेकिन जो स्पुतनिक लाइट है इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक डोज की वैक्सीन है, यानी कि आप इसे सिर्फ एक बार लगा सकते हैं और आप अपने, जैसे ही इसको आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद आप लगभग 80% तक आप इसमें मान सकते हैं कि इस पर आप रिलायबल कर सकते हैं 80% तक। और स्पुतनिक वी आपको पता है कि वो तो बहुत ही अच्छा, लगभग लगभग मान सकते हैं 100% स्पुतनिक वी के बारे में। तो ये एक इंडियन के लिए बहुत ही अच्छा है, और इंडियन के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब एक शॉट की डोज आएगी तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली आधा से भी कम होने के चांसेस है। तो आने वाले समय पर तो देखना ये होगा कि रशियन लैब जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है वो इसका जो नया प्राइस है वो क्या रखते हैं, और भारत में मैन्युफैक्चर होने के बाद इसका जो प्राइस है वो क्या होगा। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर पूरा आर्टिकल पढ़िए, क्योंकि पूरे इंटरनेट पर जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं अलग अलग वेबसाइट के वो सब इसी पे बेस है। तो ये मेन आर्टिकल जिसको पढ़ लीजिएगा, और हाँ स्पुतनिक वी पे अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जगह पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। और स्पुतनिक लाइट आप देखना पड़ेगा आने वाला समय पर कि ये क्या खास कमाल करता है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो कितने से कितना जल्दी इस जो वैक्सीन को इसको प्रोडक्शन में के लिए मान्यता देती है और कितने जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है अलग अलग स्टेट और सेंटर के वैक्सीनेशन सेंटर तक। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाओ, और फेसबुक को देख रहे हो तो फॉलो जरूर करना ना भूलो, क्योंकि अपडेट हमेशा आते रहते हैं और भी लोग देख लेते हैं और शेयर नहीं करते हैं।